शेरू कट करके बना रहे तो मेरा हाथ अलग अलग रूट हो सकते हैं इसके हो रहा है वो जिधर जा रहा है उधर ही लुढ़क जा रहा है तभी तो उसको मालूम ही नहीं कि मैं क्या हूँ अगर जरा भी सेंस रहता कि मैं क्या हूँ कई बार कर देता तो दूसरा क्या साइड है टाइगर अभी शांत है ओहो पीछे हट जाओ पीछे पीछे हट जाओ से लाया गया है और क्या इसके साथ घटनाक्रम हुआ था देखिए देवास के फॉरेस्ट रेंज से इसको लेके आए हैं और कल यहाँ पर जू में करीब 11 बजे हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया 10 बजे जू में आ गया था ये और जो प्राइमरी जो सिम्टम इसके नोटिस में आए वो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसको नोटिस में आ रहा है और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं या तो रेबीज का डम फॉर्म भी हो सकता है और दूसरा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसमें दोनों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नोटिस में आते हैं और जिस तरह से ये अपना सिम्टम एग्जिबिट कर रहा था वाइल्ड में जिस तरह से एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह एक बेसिक नेचर जो इनका वाइल्ड बिग कैट का होता है कि कितना भी बीमार हो जाए कितना भी सीख हो या कितनी भी उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम हो कहीं ना कहीं अपना बेसिक नेचर तो एग्जिबिट करेगा और अटैक करेगा गुर्राएगा और ह्यूमन कॉन्टेक्ट से हमेशा दूर रहने की कोशिश करेगा लेकिन वहाँ पर इसने इस तरह का कुछ भी इस तरह के व्यवहार उसने बिहेवियर इस तरह का एग्जिबिट नहीं किया तो ये जो घटनाक्रम हुआ था इसके साथ में गांव वालों ने ये देखिए गांव वालों ने जरूर इसको जिस तरह से वीडियो देखा उसमें कि उसको एक जैसे गाय की बछड़ी की तरह से उसको हैंडल कर रहे थे और जिसमें ये कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और जो वीडियो मैंने भी देखा था उसमें तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी है क्योंकि ये इस तरह के जो सिम्टम जो नोटिस में आते हैं जनरली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं जब खुद अपनी आइडेंटिटी एनिमल भूल जाता है जैसा कि इस केस में हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेन बड़े लेवल पर वायरस ने डैमेज किया है जिसके कारण ये अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल चुका है और इसकी आंखों का आई साइट को भी हम लोगों ने चेक किया तो कहीं ना कहीं पार्शियल ब्लाइंडनेस भी है उसके अंदर तो ये चीज़ भी उसमें नोटिस ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ही है उसका एक पार्ट है जिसके कारण होता है ये किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है देखिए अभी हम लोगों ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है जो यहाँ पर जब लेके आए थे तब हर आधे घंटे 20 मिनट में उसको सीवियर सीजर्स आ रहे थे उसको ट्रीमर्स आ रहे थे और बॉडी पूरी अकड़ जाती थी जिसको हम लोग सामान्य भाषा में फिट बोलते हैं मिर्गी आना जिसको बोलते हैं तो सबसे पहले उसको मैनेज करना था दूसरा टेम्परेचर जो नॉर्मली इनका 101 डिग्री के आसपास होता वो 106 के आसपास था वो टेम्परेचर मैनेज करना वो हमारे लिए चैलेंजिंग था और दूसरा डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी इसकी बड़ी सीवियर थी तो उसको रिहाइड्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी था क्योंकि लंबे समय से भूखा था कुछ खाया पिया भी नहीं था उसमें तो ये तीनों चीज़ों पर हम लोगों ने और जो भी इसको पेन वगैरह तो पेन से उसको थोड़ी सी उसको राहत मिले आराम मिले तो ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने चार चीज़ों पर काम किया है तो ये जो अभी जो 24 घंटे अभी बीते हैं उसमें इतना जरूर रिलीफ मिला है कि वो ट्रिमर्स ख़त्म हो गए टेम्परेचर भी उसका डाउन हो गया है और चूंकि देखना था अभी भी उसके लिए संभव नहीं है आँखें बंद है उसकी और थोड़ा सा तकलीफ में है अभी भी वो लेकिन हालत उसकी क्रिटिकल है हम लोग सेफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये जब तक कि हमारी जो जबलपुर की वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक लैब जो आ जा रही है सैंपल कलेक्शन के लिए वो सारे सैंपल कलेक्ट करेगी और सैंपल कलेक्शन के बाद फिर फाइंडिंग उसकी जो भी लैब फाइंडिंग आएगी उसके बाद हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करेंगे उसके बाद फिर आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करेंगे सर उम्र क्या होगी और सर इसकी सामान्य स्थिति में कहानी कब तक देखिए अभी जो
उसकी एज है, उसकी एज करीब 10 के आसपास के, 10 साल के आसपास एज लग रही है। और यहाँ ये चीज भी नोटिस करने वाली थी कि उसके एक्सटर्नल बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के कोई निशान नहीं थे। वन विभाग ने सर कब दिया था और कितने परसेंट चांसेस इसके बचने के? देखिए, प्रोग्नोसिस या बचने के चांस के बारे में तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि हालत क्रिटिकल है, इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि कल से आज में काफी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला है, कि ट्यूमर्स जो आ रहे थे वो बंद हो गए हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, बस इतना ही बोल सकते हैं। बाकी ले फाइंडिंग में अगर जो भी सामने चीज है, अगर कभी रेबीज का डम्फाम भी अगर आता है तब तो कुछ भी नहीं, बचाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अगर कैनाइन डिस्टम्बर भी है, सीडी का इन्फेक्शन भी अगर है, अगर कोई कंबाइंड इन्फेक्शन नहीं है तो एक चांस जरूर लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे चल के उसको न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर जो डैमेज हो चुका है उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। आपके पास कब आया? ये मेरे पास कल 10 बजे के आसपास आया यहाँ पे जू में, और उसके बाद ही फिर हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका ट्रीटमेंट क्या यही संभव है या कहीं और भी भेजा जा सकता है? नहीं, अभी देखिए हम लोग एक्सपर्ट के कांटेक्ट में भी हैं। हम लोग, हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, हमारे जो ग्रुप और दूसरे जूज के साथ हम लोगों के साथ जो बना हुआ है उसमें भी हम लोगों ने इसके वीडियो डाले, इसके जो सिम्टम्स थे वो डाले हैं, इसके जो इसको जो सीजर्स आ रहे थे उसके भी जो कंडीशन थी वो भी डाली है, और एक्सपर्ट की एडवाइस भी साथ साथ ले रहे हैं, जो मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं वो भी उनके नॉलेज में लेके कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो ये सब सारी चीज़, चूँकि हमारा अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि एनिमल का वेलफेयर, उसको किसी तरह का डैमेज ना हो, उसको किसी तरह से उसका नुकसान ना हो, और उसको हम लोग उसके वेलफेयर और उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ भेज सकते थे वीडियो इसके सब जगह भेजे हैं, ताकि एक अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाए।